सर आप इसी मशरूम का चुनाव करिए, इसकी मशरूम की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होगी। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसको हम पहले काट लेते हैं। ये जो ऊपर वाले भाग है ना, इसको हम काटेंगे, और इसको पहले ऊपर वाला भाग को काट के, इसको हम जो ऊपर ऊपर काले धब्बे दिख रहे होंगे, मैंने इसे साफ नहीं किया है, इसको पहले काट लेंगे। और काटने के बाद इसे हम गर्म पानी में अच्छी तरह से मलमल के साफ कर लेंगे, और एकदम फ्रेश मशरूम लेंगे जिसे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगे। ये देखिए, और यही मशरूम का चुनाव करिए, क्योंकि यही मशरूम जो है खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, इसे बटन मशरूम कहा जाता है। इस तरह से काट लेंगे, क्योंकि ये भाग को काटना जरूरी है, नहीं तो ये जल्दी पकती भी नहीं है। आज मैं इसे कुकर में बनाऊंगी, और आप देखिएगा एक बार मेरे कहने से बना के इसका स्वाद आपको काफी पसंद आएगा, एक बार जरूर बनाइएगा इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम सारे मशरूम को, इसकी डंठल नहीं है तो मैं इसी तरह रख दे रही हूँ, ये देखिए काट लेंगे। आज मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए और मशरूम लेते आ गए, और बोलने लगे चलो आज मशरूम की ही सब्जी बनाओ। तो मैंने सोचा आप लोग को भी क्यों ना मैं इसकी वीडियो बना के दिखा दूं कि मैं किस तरह से मसाला मशरूम बनाती हूँ। ये देखिए, एकदम छोटे छोटे मशरूम है इसमें भी, तो मैंने तो इतने छोटे मशरूम देखे ही नहीं थे आज तक। देखिए कितने छोटे मशरूम है ये। अब इसको हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, गर्म पानी में से साफ करेंगे। दिख रहे हैं इसमें कितने सारे गंदगी है, इसे अच्छी तरह से भी साफ करना होगा। अब चलिए इसे साफ करके हम लेके आते हैं। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे साफ कर लिया, देखिए अब कहीं काले काले दिख रही है नहीं ना, एकदम अच्छी तरह से मैंने इसे रगड़ रगड़ के साफ किया है। अब हम चॉपिंग बोर्ड लेंगे इस तरह से, और इसको जैसे आप पसंद करते हैं, आप चाहे तो दो टुकड़ा कर लीजिए इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, या फिर आप इसके चार टुकड़े भी कर सकते हैं, मुझे ऐसी दो टुकड़े में बहुत पसंद आता है, तो मैं इसी तरह काट रही हूँ। इस तरह से आप इसके चार टुकड़े भी कर सकते हैं, जैसे बड़े हैं तो उसको चार टुकड़े कर दीजिए इस तरह से, और जो छोटे हैं उसको दो टुकड़े रहने दीजिए। इस तरह से सारे मशरूम को हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए मैंने सारे मशरूम को अब काट के तैयार कर लिए हैं। तो अब मशरूम को हटाते हैं और एक बर्तन को रखते हैं, और इसमें हम सारे मशरूम को डालेंगे, और मशरूम को अब हम मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे मीट मसाला, और ये बिल्कुल भेज है। मीट मसाला का मतलब ये नहीं होता है कि ये नॉन भेज है, ये बिल्कुल भेज है। देखिए यहाँ पर ग्रीन साइन बनी हुई है मीट मसाला के पैकेट पे, तो ये बिल्कुल भेज है, आप इसे डाल सकते हैं। तो करीब एक चम्मच हम मीट मसाला इसमें डालेंगे, इससे इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। और इसको इस तरह से हिला लेंगे, सारे मसालों की कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए, और इसको हम छोड़ देते हैं, ढक के रख देंगे। तब तक हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने दो टमाटर, तीन प्याज लिए हैं, और इसे मैंने देखिए अच्छी तरह से प्याज को छील लिए हैं, टमाटर को धो लिए हैं। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम कुकर में बना रहे, तो कटिंग करने के लिए हमें बहुत फाइन कटिंग नहीं करनी है, जैसे हम थोड़े मोटे मोटे भी काट सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से, और टमाटर को भी हम कटिंग कर लेंगे, बहुत फाइन काटने की जरूरत नहीं है।
इस तरह से हरी मिर्च ली है मैंने, तो हरी मिर्च को हम बीच से ऐसे चीरा लगा लेंगे। इस तरह से सारे हरी मिर्च में माधव 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 श्री सत्यानंद माधव 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 श्री सत्यानंद माधव। देखिए मैंने हरी मिर्च काट ली है और यहाँ पे हम लहसुन, एक पूरी जो जावा लहसुन होती है वो मैंने छील लिए हैं, और अदरक का टुकड़ा है 1 इंच करीब होगा, और इसको अदरक के टुकड़े को हम इसे ग्रेट कर लेंगे। और चलिए अब बनाना शुरू करते हैं रेसिपी को। मैंने गैस को, कुकर को गैस पर चढ़ा दिया है। अब कुकर को हम गर्म होने के बाद इसमें हम तेल डाल रहे हैं। देखिए करीब 2 बड़े चम्मच मैंने तेल डाले हैं। तेल को अब गर्म होने देंगे अच्छी तरह से। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है तो देखिए मैंने 4 लाल मिर्च और 1 चम्मच जीरा डाल के इसका तड़का लगा रही हूँ, और इसे मैं तड़क जाने दूंगी। जीरा और मिर्चा देखिए तड़क चुकी है, तो इसी जगह पे हम सारे लहसुन को ऐसे ही बिना काटे ही डालेंगे। देखिए थोड़ा लाल जैसी हो गई है। इसी जगह पर हम सारे प्याज को डाल देते हैं। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का भून जाए, अभी थोड़ी सी और भूनेगी। प्याज देखिए हमें इतने ही भूननी है। अब इतना प्याज भूनने के बाद इसी जगह पे हम सारे टमाटर को डाल देंगे। इसी जगह पर अब हम नमक डाल देंगे कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। यहीं पर हम नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कलर काफ़ी अच्छा आता है, देखिए आप लोगों को दिख नहीं पा रही होगी ठीक से। इसे अब अच्छी तरह से हम भूनेंगे टमाटर को। नमक डालते ही टमाटर जो है देखिए गलने लगी है। यहीं पर हम 1/2 गिलास पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इतना पानी डालेंगे जो कुकर में सीटी अच्छी तरह से लग जाए, और 2 सीटी लगाने के बाद हम कुकर के ढक्कन को खोल देंगे। कुकर मैंने 2 सीटी लगा के और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। जब तक कुकर ठंडी हो रही है तब तक हम इधर देखिए एक पैन चढ़ा दिए हैं, और इसमें हम
बटर को डाल दिए। बटर को हम मेल्ट होने देंगे। बटर का स्वाद मशरूम में बहुत ही अच्छा आता है। देखिए अब बटर जो है मैगन हो चुका है, पिघल गया है, तो अब हम इसमें मशरूम को डाल देंगे जो मैंने मैरिनेट करके रखा था, और इसे हल्का हम भूनेंगे। इसी जगह पे हम अदरक के लच्छे और हरी मिर्च को डाल देंगे। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। करीब 1 मिनट हो चुके हैं मशरूम को भूनते हुए। अब अच्छी तरह से मशरूम जो है भून चुकी है। इसे हम गैस को बंद कर देते हैं और चलिए हम मसाला देख लेते हैं। देखिए प्याज और टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई है। इसको हम पूरा पानी सूखने तक, जो पानी है इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे जब तक ये पूरा उसका पानी सूख ना जाए। देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है और इसको पूरी तरह से पानी को भी हम सुखा लेंगे। इसी जगह पर हम डालेंगे धनिया पाउडर, करीब 1.5 चम्मच, और खूब अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे। गरम मसाला, अब देखिए मसाला कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अच्छी तरह से मसालों को खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं तो अब हम इसी स्टेज पर मशरूम को डाल देंगे, सारे मशरूम को। और इसमें अब हम पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम। और इसे हम 2 सीटी लगा लेते हैं। मशरूम की सब्जी बनके तैयार है।
बहुत ही स्वादिष्ट मशरूम की सब्जी बनी है, आप लोग देख ही सकते हैं कुकर में। और इसे मैं एक बाउल में निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी स्वादिष्ट मशरूम बनी है। बहुत ही स्वादिष्ट मशरूम की सब्जी बन के तैयार हुई है। इसमें अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।